I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we can be true. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उज्ज्वल और आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैट केयर पर। लास्ट वीडियो पे इतने सारे कमेंट्स, लाइक और मतलब इतना शेयर किया आप लोगों ने, तो मुझे और नई वीडियोस बनाने का बहुत मन हो रहा है। तो मैं ऐसे ही रेगुलर वीडियोस डालूंगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें ऐसे ही, और लाइक किया करें ज़रूर, जिससे मोटिवेशन मिले मुझे। और आप मेरी फिशेस देख सकते हैं, ये एक्वेरियम जो था मेरा, और इसमें फिशेस की ग्रोथ अच्छी हो रही थी। आप देख सकते हैं शार्क कितनी बड़ी है, सारी फिशेस अच्छे से चल रही थी और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर अचानक से इसमें एक बीमारी आ गई। वो क्या बीमारी आ गई मैं आपको आगे दिखाता हूँ, पर उसके लिए मैं एक मेडिसिन बता रहा हूँ आपको। आज एक चीज़ ऐसी आपको दिखाऊँगा जो आपने थंबनेल में देखा था, एक ऐसी चीज़ दिखाऊँगा वो ज़्यादातर हर बीमारी को ख़त्म करने के लिए होता है। मतलब आप अभी देखेंगे कैसी बीमारी है और इसे कैसे ख़त्म करना है, तो आप समझ जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे एक्वेरियम में ये बीमारी आ चुकी है। ये ऑस्कर ऑफ फिश देख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं सामने। ये स्पॉट्स होना एक नॉर्मल बात होती है एक्वेरियम में। कोई भी अगर आप नई फिश ऐड करते हैं या नया प्लांट ऐड करते हैं, पानी चेंज करते हैं या हीटर नहीं लगाते हैं, तो ये वाइट स्पॉट्स जो होते हैं वो होना नॉर्मल बात है। और ये दिन में तो नहीं दिखते हैं, पर रात में अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत साफ साफ दिखते हैं, या आप लाइट जलाते हैं तो बहुत साफ दिखते हैं। ये देखिए, ये मैंने रात में फ्लैश की रोशनी से दिखा रहा हूँ, वो फ़ोन के फ्लैश की रोशनी है। इसमें आप देख सकते हैं साफ साफ कितने सारे दिख रहे हैं। दिन में मुझे नहीं दिख रहे थे, और एक्वेरियम की लाइट ऑन की तब थोड़े बहुत दिखे, और उसके बाद रात में तो आप देख सकते हैं कितने इनमें स्पॉट्स दिख रहे हैं। ये देखिए, सभी में हो गए हैं ऑस्कर्स में। पर ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगर आपने अभी कंट्रोल कर लिया इसे वाइट स्पॉट्स को, चाहे ऑस्कर हो, गोल्ड फिश हो या कोई भी शार्क हो, कोई फिश हो, तो ये बच जाएंगी। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, ऐसी वाइट स्पॉट्स बढ़ते रहे तो इनकी आंखों पे भी हो जाएंगे, इनके गिल्स में भी हो जाएंगे, हर जगह इनके वाइट स्पॉट हो जाएंगे, और आपके पूरे एक्वेरियम में वाइट स्पॉट्स फैल जाएंगे और सारी मछली मर जाएंगी। और एक बात और ध्यान रखिए कि जब आप वाइट स्पॉट्स ठीक करते हैं, मेडिसिन डालते हैं, तो सारे वाइट स्पॉट एक्वेरियम में ही रहते हैं, तो उनके भी ख़त्म करना होता है आपको। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सबसे ज़्यादा बेस्ट है, सबसे ज़्यादा समझिए फ्री की चीज़ है, ये है नमक, रॉक सॉल्ट। ये आपको घर में आसानी से मिल जाएगा। ये नमक जो होता है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये जो रॉक सॉल्ट होता है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है एक्वेरियम के लिए, और एक समझ लीजिए फ्री की दवाई हो गई आपकी। इतनी अच्छी कोई दवाई नहीं है एक्वेरियम के लिए। कोई पॉन्ड हो आपका या फिर कोई भी चीज़ हो, मतलब टेरेस पे रखा हो कोई पॉट, तो आप अपने नमक से ही काम चला सकते हैं। क्योंकि नमक क्या होता है, ये जो वाइट स्पॉट्स पड़ जाते हैं, एक पैरासाइट्स होते हैं, इनको ये ख़त्म कर देता है, फिशेस की बॉडी से हटा देता है। और आपको नमक इतना नहीं डालना है कि फिशेस को प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये फ्रेश वाटर फिश है, कोई सॉल्ट वाटर फिश नहीं है, तो इसमें कम से कम नमक यूज़ करना है। मतलब अगर आपके पास 100 लीटर का टैंक है, तो आप इसमें कम से कम, जितने बड़े मैंने पीसेस यूज़ करे हैं, ये आपको ऐसे 5 या फिर 6 यूज़ करने हैं, या फिर आपके पास 300-400 लीटर का है तो ऐसे ही आप 15-20 यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप, कुछ लोग कहते हैं कि टाटा नमक यूज़ कर लें, तो टाटा नमक नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो भी ये नमक अवेलेबल होते हैं सॉल्ट, ये सब आयोडीन पड़ा होता है इनमें, जो इंसानों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, पर इन फिशेस के लिए नुकसानदायक होता है। इनका पूरा स्किन ख़राब हो जाती है, इनकी आँखों की रोशनी चली जाती है, किसी किसी की आँख निकल जाती है, तो इसलिए आयोडीन वाला नमक ना डालें, उससे बहुत नुकसान होते हैं। आप ये नमक डाल सकते हैं, रॉक सॉल्ट थोड़े डेले डालिए, और ये सब करने के बाद ही आपकी फिशेस जो हैं वो एकदम फिर से फ्रेश हो जाएंगी, आपके एक्वेरियम में फिर से जान आ जाएगी। जब तक ये बीमारी रहती है और बढ़ती चली जाती है, फिशेस बिल्कुल एकदम स्लो ग्रोथ करती हैं और बिल्कुल ही अलग अलग रहने लगती हैं। तो इस बीमारी को आप एक नमक से, बिल्कुल फ्री की दवाई से आप ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ब्लू वाली मेडिसिन
मिथाइल ब्लू जो आती है, ब्लू कलर की होती है, उसे भी आप डाल सकते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके ये इच जो कहते हैं इसको, मतलब इससे मछली जो होती है आपके एक्वेरियम में अपनी बॉडी को रगड़ने लगती है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं तो हमारे यूट्यूब के किसी वीडियो पे कमेंट कर दीजिए। कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है पूरी हेल्प करूँगा मैं, और जो भी बात हो आप पूछ सकते हैं शार्क से रिलेटेड या फिर कोई भी एक्वेरियम फिश से रिलेटेड, कोई भी बीमारी ट्रीटमेंट मतलब करवाना हो जो, मतलब सब कुछ बता सकता हूँ मैं। या कोई प्रोडक्ट चाहिए हो आपको एक्वेरियम या प्लांट से रिलेटेड, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी गई हैं, कमेंट्स में लिंक्स दी गई हैं, वहाँ पर क्लिक करके आप परचेस करिए। कुछ भी एक्वेरियम या प्लांट से रिलेटेड आप परचेस कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कुछ एक्स्ट्रा पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।